हेलो स्टूडेंट्स, यह क्लास अपने डीआरटी सेकंड ईयर के लिए, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल। आज का अपना टॉपिक है साइनोग्राफी, स्टडी ऑफ द साइनस। कोई भी अपने स्किन में साइनस हो जाता है ओपन कैविटी का, और उसको देखने के लिए अपने क्या है ये प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इसकी एनाटॉमी। देखो, ये एक साइनस दिखा रखा है, ओपन कैविटी का साइनस है, पूरी गांठ की तरह तैयार हो रखा है। एक ये देखो साइनस का डायग्राम दिखा रखा है, ये अपने ऊपर की स्किन आ गई, ये साइनस का ट्रैक हो गया जिसमें ये नीचे फ्लूड भरा हुआ है, और नीचे बोन हो गया, ये फैट मास हो गया जिसमें क्या है फ्लूड थोड़े दिन बाद लीकेज होने लग जाता है, इसमें पेन रहता है वो रहता है। तो इसमें अपने क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करते हैं और इसकी इमेज लेते हैं कि कितना बड़ा है, इसमें क्या लीकेज हो रहा है, या इसमें यह हो सकता है कि इसके जो सराउंडिंग टिश्यू आसपास के उसमें लीकेज हो के उनके उनमें कनेक्शन हो जाए, या कोई ब्लड स्ट्रीम जा रही है उसके साथ इसका कनेक्शन हो जाए, तो ये ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। एरोसाइनस की एक इमेज ये दिखा रही है, ओपन कैविटी का साइनस है, ये कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, बट जब भी इसके खोजे जाने लग जाते हैं हार्मफुल हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। साइनस इज एन ओपन कैविटी फॉर ब्लाइंड ट्रैक लाइंड बाय द एपिथेलियल टिश्यू लेयर प्रेजेंट एट डीप डाउन इनटू द टिश्यू। साइनस क्या एक ओपन कैविटी होती है लाइंड बाय द एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू में ये प्रेजेंट होती है और डीप डाउन होती है टिश्यू के अंदर। साइनस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियल सेल लेयर इनटू द टिश्यू। साइनस कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है, कोई भी टिश्यू की एपिथेलियल सेल लेयर में हो सकता है। साइनस इज ए लैटिन वर्ड, साइनस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या है विच मीन्स होलो और बे, यानी कोई भी होलो। यूजुअली साइनस आर एसिम्टोमेटिक, लगभग क्या है साइनस उसके कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं, बट समटाइम पर कई बार क्या है इट कॉजेज इन्फेक्शन अब्सेस फॉर्मेशन, इसके इन्फेक्शन यानी कॉजेज आने लगते हैं, इन्फेक्शन होना, अब्सेस फॉर्मेशन, नर्व प्रेशर, फ्लैश कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन हो जाना। मैंने आपको बताया था कि साइनस का कोई पास की ब्लड स्ट्रीम या कोई भी टिश्यू के साथ कनेक्शन हो जाना, सच एज फिस्टूला विच कुड बी एक्यूट और क्रोनिक, ये एक्यूट भी हो सकते हैं और क्रोनिक भी हो सकते हैं। सम स्पेसिफिक सिम्टम्स वुड बी लीकेज ऑफ क्लियर फ्लूड ऑन द ओपन सरफेस ऑफ साइनस, कई बार क्या है इसका एक ये स्पेसिफिक सिम्टम है जिसमें क्या होता है फ्लूड का लीकेज होने लग जाता है, ओपन कैविटी का साइनस होता है और जिसमें फ्लूड लीकेज होने लग जाता है। अब बात करते हैं अपने इसके इंडिकेशंस की, इंडिकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं। टू एसेस द साइनस एंड इट्स कनेक्शन, साइनस और उसके कनेक्शंस को देखने के लिए। टू एसेस एनी एबनॉर्मल पासेज इन टू द ओपन कैविटी ऑफ साइनस, जो अपने ओपन कैविटी का साइनस है उसका कोई भी एबनॉर्मल पासेज हो जाए, उसका कोई भी आगे कनेक्शन हो गया उसको देखने के लिए। टू एवेलिएट एनी फिस्टूला फॉर्मेशन बिटवीन सराउंडिंग टिश्यू एंड साइनस, सराउंडिंग टिश्यू और साइनस के बीच में कोई भी फिस्टूला का फॉर्मेशन हो गया उसको इवेल्यूट करते हैं। कॉन्ट्राइड इंडिकेशंस, एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कोई भी पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी है तो अपने ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम ये प्रोसीजर नहीं होगा। एनी सस्पेक्टेड स्पिल टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन टू द ब्लड स्ट्रीम और एनी सराउंडिंग कैविटी, बाय चांस ये जो अपना साइनस है वो क्या है सराउंडिंग टिश्यू साथ कनेक्शन होता है, और जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी इंसर्ट करते हैं तो वो क्या है ब्लड स्ट्रीम में या एनी सराउंडिंग टिश्यू में चल जाता है, इसलिए अपने ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद आईआईटीवी सिस्टम, एक्सरे कैसेट, हाई वोल्टेज जनरेटर, स्पॉट फिल्म डिवाइस,
कंप्यूटर मॉनिटर सिस्टम, लेड एप्रोन्स, ग्लव्स, आयोडीन सॉल्यूशन, गोज पीसेज, कॉटन हूल, सिरिंज 10 ml, कैथेटर और बैंडेज। अब अपने बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। अब इसमें कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लेंगे? वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम लेते हैं सच एज यूरोग्राफिन। यूरोग्राफिन अपने काम में लेंगे 60% वेट बाई वॉल्यूम। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? नो स्पेसिफिक पेशेंट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। कोई भी पेशेंट की स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती है। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। पेशेंट को क्या है, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट डन करवाना होता है इफ वी सस्पेक्टेड एनी कॉन्ट्रास्ट एलर्जी रिएक्शन, तो उसका पता लग जाता है कोई भी कॉन्ट्रास्ट एलर्जी रिएक्शन है या नहीं है। उसके बाद लेंगे अपने सबसे पहले प्रोसीजर से पहले क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी फिल्म लेंगे। एन ए पी और लेटरल रेडियोग्राफ्स ऑफ साइनस कैन बी परफॉर्म्ड। क्या करेंगे अपने, साइनस का ए पी और लेटरल इमेज लेंगे विद एक्सक्लूड एनी फॉरेगन रेडियो ओपेक मटेरियल अराउंडिंग द साइनस कैविटी। कोई भी साइनस कैविटी के अराउंड रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उसको निकलवा देंगे। अब बात करेंगे प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में सबसे पहले अपने क्या करेंगे, टेल द पेशेंट टू रिमूव हिज क्लोथ्स। पेशेंट को अपने क्लोथ्स यानी कपड़े उतारने के लिए बोलेंगे एंड वीयर ए क्लीन पेशेंट गाउन, और पेशेंट को एक क्लीन पेशेंट गाउन पहनवा देंगे। एंड लाइज सुपाइन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल, और पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर लेटने के लिए बोलेंगे। नाउ प्रोसीजर परफॉर्मिंग रेडियोग्राफ शुड बी वीयर लेटेक्स ग्लव्स। अब क्या करेगा, प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए रेडियोग्राफ सबसे पहले लेटेक्स ग्लव्स पहनेगा, क्योंकि अपने जो साइनस है वो क्या ओपन कैविटी में होता है, फ्लूड होता है और होता है उससे इन्फेक्शन हो सकता है। एंड परफॉर्म सरफेस क्लीनिंग अराउंड द साइनस कैविटी। अब साइनस कैविटी की जो सरफेस होती है उसको क्लीन करेगा विद आयोडीन सोल्यूशन टू प्रिवेंट एनी सेप्सिस। आयोडीन सोल्यूशन से क्या करेगा, साइनस की आउटर कैविटी आउटिंग सरफेस है उसको क्लियर करेगा टू प्रिवेंट एनी सेप्सिस, कोई इन्फेक्शन से बचने के लिए। नाउ इफ एनी एब्सेंस प्रजेंट इन द साइनस कैविटी, अगर कोई भी एब्सेंस साइनस कैविटी में प्रजेंट है देन वी शुड एस्पिरेट इट बाई ए सिरिंज। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई भी सिरिंज से निकाल लेते हैं। अगर ओपन कैविटी का साइनस है उसके अंदर कोई भी अब्सेंस प्रेजेंट है तो अपने सिरिंज लगाएंगे और उससे अब्सेंस को बाहर एस्पिरेट कर लेंगे। लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन कैन बी इंजेक्टेड अराउंडिंग द साइनस कैविटी। अब एक क्या लेंगे, लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन लेंगे और उसको साइनस कैविटी के सराउंडिंग लगा देंगे सबक्यूटेशनली, सबक्यूटेशनली लेयर में। कौन सा लगाते हैं, लाइग्नोकेन 2% फॉर पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट कंफर्ट फील करें। नाउ ए स्मॉल कैथेटर कैन बी इंसर्टेड। अब क्या करेंगे, जो ओपन कैविटी है साइनस की उसमें स्मॉल कैथेटर इंसर्ट करेंगे जेनेटली इनटू द साइनस थ्रू ओपन ऑरिफेस ऑफ सरफेस। एक स्मॉल कैथेटर को इंसर्ट करते हैं साइनस की जो ओरिफेस है, ओपन ओरिफेस यानी ऊपर का मुंह है उसमें। नाउ ए प्रिपेयर्ड कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन शुड बी इंजेक्टेड इनटू द साइनस अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। अब क्या करेंगे, जो अपना प्रिपेयर्ड कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन है उसको साइनस के अंदर इंजेक्ट करेंगे। यह सारा प्रोसीजर कहां पे होता है, अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन देने के बाद
Appropriate radiographs of sinus can be performed in AP, lateral and oblique views. Sinus में अपना contrast media inject करने के बाद जो भी अपने को views की जरूरत होती है appropriate image चाहिए वो अपने AP, lateral, oblique view कर सकते हैं. A number of X-ray film can be saved with the help of spot film device. जो भी अपने को X-ray film save करनी है वो क्या करेंगे अपने spot film device की हेल्प से सेव कर सकते हैं. आफ्टर द प्रोसीजर कैथेटर शुड बी रिमूव्ड. प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे कैथेटर को रिमूव कर देंगे. एंड प्रेशर शुड बी अप्लाइड ओवर द पंचर साइड टू स्टॉप द ब्लीडिंग. और जो अपनी पंचर साइड है उस पर प्रेशर अप्लाइड करेंगे ताकि जो ब्लीडिंग आ रही है वो स्टॉप हो जाए. अब बात करते हैं अपने आफ्टर केयर की, यानी प्रोसीजर होने के बाद अपने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए. आफ्टर द प्रोसीजर डन पेशेंट शुड बी शिफ्टेड इन टू द रिकवरी और ड्रेसिंग रूम. प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे पेशेंट को रिकवरी या ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट कर देंगे. एंड अप्रोप्रिएट बैंडेज शुड बी पेस्ट ओवर द ओपन कैविटी ऑफ साइनस आफ्टर क्लीनिंग द सरफेस विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. अब क्या करेंगे जो अपनी पंचर साइट है ओपन कैविटी है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे और एप्रोप्रिएट बैंडेज उस पर लगा देंगे. इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशंस, अगर पेशेंट सफर फील कर रहा है कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जैसे कि नोजिया, हेडेक, फ्लशिंग, देन वाइटल साइंस असेसमेंट सच एज. वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं, रेस्पायरेटरी रेट, ब्रीथिंग रेट, टेम्परेचर, पल्स और ब्लड प्रेशर का क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे. पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट एनी पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शन. अगर प्रोसीजर करने के बाद कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स एडवाइज करेंगे. पेशेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड विद एनाफिलैक्सिस इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी पेन अराउंड द साइनस. अगर साइनस में कोई भी पेन फील कर रहा है पेशेंट तो पेशेंट को क्या है एनाल्जेसिक्स टेबलेट आती है वो अपने प्रिस्क्राइब करेंगे. ये अपना प्रोसीजर कंप्लीट होता है. तो प्रोसीजर में अपन ने क्या किया था, सबसे पहले पेशेंट को टेबल पे लेटाया और टेबल पे लेटाने के बाद जो अपनी ओपन कैविटी होती है उसको बिल्कुल क्लीन साफ किया. फिर उसके अंदर जो भी अब्सेस प्रेजेंट होता है उसको अपन ने सिरिंज के द्वारा एस्प्रेट कर लिया. एस्प्रेट करने के बाद क्या किया उसके अंदर एक स्मॉल कैथेटर पुश किया. स्मॉल कैथेटर डालने के बाद जो अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है प्रीपेयर्ड सॉल्यूशन होता है वो इंसर्ट करेंगे. और जो भी अपने को एप्रोप्रिएट इमेज लेनी होती है एपी, पीए, लेटरल, ओब्लिक वो अपने ले लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे पंचर साइड पे दबाव बना के रखेंगे ताकि जो अपने ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए. उसके बाद बात आती है आफ्टर केयर. आफ्टर केयर में क्या क्या करते हैं, कैथेटर को हटा दिया था पढ़ने तो वहां पे जो भी ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको ओपन कैविटी को बिल्कुल क्लीन करेंगे और उस पर बैंडेज लगवा देंगे. अगर पेशेंट को सफरिंग फील हो रही है जैसे कि नोजिया, हेडेक, फ्लशिंग वगैरह होती है तो उसके वाइटल साइंस है वो मेजरमेंट करते हैं. अगर पेशेंट को कोई भी पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको एंटीबायोटिक्स एडवाइज कर देंगे. और पेशेंट को अगर सफर या जो अपनी पंचर साइट है उस पर पेन फील हो रहा है तो पेशेंट को एनाल्जेसिक्स टेबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे.